और भाई क्या हाल चाल है आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम अपने का अकुस्टिक गिटार ले रहे या जो है एक अकुस्टिक गिटार अपग्रेड करने का सोच रहे लेकिन एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। तो आज यहाँ पे जो है मैं अंडर 10,000 रुपीज में दो बड़े जबरदस्त गिटार कंपेयर करूंगा। एक तो है यहाँ पे मेरे पास यामा का F280 जो कि भाई आप लोगों को पता ही है दो साल से जो है भाई अंडर 10,000 रुपीज में काफी प्रोमिनेंट गिटार रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट डिसरप्ट कराया है इस साल इस गिटार ने जो कि है सागा का SF600। तो यार ये गिटार भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस रेंज में। तो आज इन दोनों गिटार्स का कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में और भाई देखेंगे ओवरऑल अंडर 10,000 रुपीज इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा गिटार लेना चाहिए। तो चलो भाई स्पेक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जो अपना यामा F280 है उसमें आपको जो है ऑल लैमिनेट कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है। जो टॉप है वो बना है लैमिनेटेड स्प्रूस का, जो बैक एंड साइड्स है वो बनी लोकली सोर्स वुड की, नेक जो है वो भी बना है लोकली सोर्स वुड का। और अब बात करें सागा SF600 की तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक लैमिनेटेड स्प्रूस टॉप देखने को मिल जाता है विद लैमिनेटेड सपेले बैक एंड साइड्स एंड नेटो नेक। तो यहाँ पे यार ये महोगनी की ऑल्टरनेटिव टोन वुड्स यूज की है, जैसे जो सपेले और नेटो है ये महोगनी की ऑल्टरनेटिव टोन वुड्स हैं। और टिपिकली अब आप अगर जो है इवन मिड रेंज सेगमेंट में जो है अकुस्टिक गिटार्स देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मोस्टली जो है महोगनी की ही ऑल्टरनेटिव टोन वुड्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे भाई ओवरऑल लुक जो है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक ओपन पोर फिनिश भी देखने को मिलती है। तो ये एक काफ़ी भी प्रीमियम फीचर रहता है कि अंडर 10,000 रुपीज़ यूजुअली क्या होता था कॉर्ड AD810 में ये फीचर देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ सागा SF600 में मिलता है। और यहाँ इवन जो महोगनी का टिपिकल ब्राउन कलर होता है वो नहीं, आपको जो एक डार्क कॉफी कलर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और यहाँ ओवरऑल एक प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ पे मतलब सागा SF600 की जैसे मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू वाली वीडियो भी बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि भाई मतलब काफ़ी मतलब इसमें आपको प्रीमियम स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। दैट इज़ दी की ऑफ दिस गिटार की ये गिटार बेसिकली मार्केट क्यों डिसरप्ट कर रहा है, क्योंकि यूजुअली अगर आप इसकी लुक इसकी फील इवन इसकी जो टोन है आप उसको देखेंगे तो यूजुअली आपको 10 से 15 हज़ार वाले जो अकूस्टिक गिटार्स हैं उनमें इस तरीके के सिमिलर स्पेक्स और टोन देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बस इतने एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ है इंडिया में कि अंडर 10,000 रुपीज़ ना हार्डली आपको कोई इस तरीके का गिटार देखने को मिलेगा। तो भाई लुक और फील तो बहुत बढ़िया है इस गिटार की, और यहाँ पे आपको जो है साइड में ब्लैक और वाइट बाइंडिंग देखने को मिल जाती है। वही यामा F280 में जो है आपको जो है पेंटेड एजेस देखने को मिलते हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं है एजेस पे कोई भी, और यहाँ इवन नेक पे भी जो है कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इसके जो नेक है उस पर भी बाइंडिंग है। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एस्थेटिक्स में यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारी डिटेलिंग देखने को मिल रही है जो कि यामा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हम शेप्स की बात करें तो यहाँ यामा F280 में आपको नॉन कटअवे ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार मिलता है और कटअवे में जो है सिर्फ एक FS80C मॉडल मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो सागा SF600 है इसमें आपको जो है कटअवे डिज़ाइन अकूस्टिक गिटार देखने को मिल जाएगा ड्रेडनॉट साइज में भी। इसके अलावा आपको दो और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक तो है SF600GC जो कि ग्रैंड कॉन्सर्ट या ग्रैंड ऑडिटोरियम है, जो कि पर्सनली मेरे को बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि दैट इज़ लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स की आपको कंफर्ट भी मिलती है और एक ऑप्टिमम टोन भी मिलती है। और इसके अलावा अगर आपको यू नो एक मीडियम साइज छोटा साइज का गिटार चाहिए जिसमें कंफर्ट ज़्यादा हो तो SF600C जो है मॉडल वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉडी डिज़ाइन वाइज जो है SF600 में ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया यामा में आपको F280 में तो नेचुरल और सनबस देखने को मिल जाता है और FS80C में ब्लैक और नेचुरल देखने को मिल जाता है। यहाँ 600 सीरीज़ जो है आप चाहे कोई भी बॉडी डिज़ाइन लो उसमें आपको नेचुरल ब्लैक और सनबस तीनों कलर्स देखने को मिल जाते हैं। फिनिश की बात करें तो यहाँ SF600 में आपको जो है एक सैटिन फिनिश देखने को मिलती है थ्रू आउट, लेकिन जो F280 और FS80C है उसमें आपको जो है ग्लॉस टॉप विद मैट बैक एंड साइड्स देखने को मिलती है। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है, यहाँ पे अगर आपको काफ़ी स्वेट आता है तो आप जो है भाई F280 पे तो आराम से प्ले कर सकते हैं, लेकिन जो इवन SF600C है अगर उस पर भी आपको स्वेट आता है तो यहाँ पे आपको एक सैटिन फिनिश मिल रही है तो आप जो है इजीली इसको भी क्लीन कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको मेंटेन करने में। या प्लेइंग कंफर्ट की बात करें तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इन गिटार्स को कंपेयर करते हुए, क्योंकि जो SF600C है उसका जो नेक है वो ज़्यादा स्लीक और फ्लैटर साइड पर है, वहीं जो यामा F280 है उसका नेक ट्रेडिशनल जैसे एक अकूस्टिक गिटार का होता है राउंडेड सी शेप नेक उस तरीके का है। तो दोनों ही कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो SF600C है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है,
इसके अलावा अगर आपको भाई हायर फ्रेट्स एक्सेस करने हैं, लीड्स प्ले करनी है और आपको अंडर 10,000 एक ब्रांडेड गिटार चाहिए तो SF-600C ऑप्शन है जिसमें आपको कटा हुआ डिजाइन मिल जाएगा। और ये चीज मैंने पहले भी बताई कि अंडर 10,000 रुपीज या अराउंड 10,000 रुपीज जितने भी मेजर ब्रांड्स होते हैं वो आपको यूजुअली नॉन कटा हुआ डिजाइन अकूस्टिक गिटार ही देंगे। या फ्रेटबोर्ड की बात करें तो यहाँ यामा F280 में आपको वही ट्रेडिशनल रोजवुड देखने को मिल जाता है, विच इज अ रियली नाइस थिंग। और यामा एक लौता ब्रांड है जिसपे आपको जो है ना रोजवुड का फ्रेटबोर्ड देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं सागा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है एक रिच लाइट का फ्रेटबोर्ड देखने को मिल जाता है, विच इज अगेन नॉट वेरी ट्रेडिशनल जैसे कि रोजवुड होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है एक काफी इंटरेस्टिंग मटेरियल है। और ये जो रिच लाइट है ये वेदर रेजिस्टेंट भी है, मतलब ये वेदर चेंजेस से उतना रिएक्ट नहीं करता जितना ट्रेडिशनल वुड रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं सागा SF-600 में कि थोड़ा सा जो है इजी टू मेंटेन गिटार हो जाता है। स्ट्रिंग स्पेसिंग की बात करें तो यामा F280 में आपको 10mm की स्ट्रिंग स्पेसिंग देखने को मिल जाती है, वहीं सागा SF-600 में आपको जो है 11mm की स्ट्रिंग स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। जो 11mm की स्ट्रिंग स्पेसिंग होती है वो एक तरीके से इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है और मोस्टली आपको सारे अकूस्टिक गिटार्स में 11mm की स्ट्रिंग स्पेसिंग ही देखने को मिलती है। और पर्सनली मेरे को इन दोनों में से जो है 11mm की स्ट्रिंग स्पेसिंग ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ यामा में आपको जो है क्रोम कवर ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वहीं सागा में आपको जो है प्रीमियम क्वालिटी की डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ स्ट्रिंग्स की भी बात कर ले तो यहाँ यामा में आपको जो है ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाती है और यहाँ यामा के अंदर आपको कोई भी ऐसे ब्रांडेड स्ट्रिंग्स नहीं मिलती जो कि स्पेसिफाई किया हो यामा ने, लेकिन यहाँ सागा SF-600 में आपको जो है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाती है रोड डॉग ब्रांड की। अब यहाँ पे बात करें प्राइस की, जो कि भाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिसके बेसिस पे ये कंपैरिजन बन रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे करंटली यामा F280 अब आता है अराउंड 7500 का और इसमें जो है आपको कुछ भी नहीं मिलता आउट ऑफ द बॉक्स एक्सेप्ट फॉर द गिटार। लेकिन यहाँ पे बात करें सागा SF-600 की तो यहाँ पे इसका प्राइस है अभी अराउंड 8500 और यहाँ ऑनलाइन लेने में जैसे मेरे को काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया है कि उनको जो है साथ में बैग भी मिलता है, तो यार ये चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि गिटार के साथ इंस्टेंटली अगर आपको कुछ लेना है तो यार एक बैग तो ज़रूर लेना पड़ेगा ताकि आप गिटार को मेंटेन कर सको। तो इसमें अगर वो बैग मिल ही रहा है तो एक तरीके से अगर मैं सिर्फ गिटार का प्राइस देखूं तो यहाँ पे सागा SF-600 भी ऑलमोस्ट F280 के प्राइस रेंज में आ जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी फीडबैक दिया था, इसी फीडबैक की हेल्प से ना इस तरह की कंपैरिजन वीडियो में भी काफी हेल्प मिलती है। तो चलिए अब जो है इन दोनों गिटार्स का साउंड कंपैरिजन कर लेते हैं।
तो भाई साउंड वाइज दोनों गिटार्स ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन यह जब मैंने दोनों गिटार्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया साउंड वाइज, तो यहाँ पे सागा SF600 की जो ओवरऑल टोन थी वो मुझे थोड़ी बेटर लगी। मतलब यहाँ सागा SF600 में आपको जो है थोड़ा बेटर वॉल्यूम प्रोजेक्शन और बेस रिस्पांस सुनने को मिल जाता है। टोन वाइज SF600 हैज मोर डेप्थ एंड इट साउंड्स फुलर व्हेन कंपेयर टू F280। बाकी आप लोग भी बताइए कि आपको इन दोनों गिटार्स में से कौन सा बेटर लगा सुनने में। तो भाई दोनों गिटार्स की सारी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो है सागा SF600 के साथ जाइए, क्योंकि 8500 के प्राइस पॉइंट में करंटली इससे बढ़िया कोई गिटार नहीं है अवेलेबल मार्केट में। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे आपको इन दोनों गिटार्स में से कौन सा पसंद आया। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।